आज हम वोट पथ पे मौजूद हैं मुंबई नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूएंसी में यानी आमची मुंबई में, और मेरे साथ हैं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। पीयूष जी, आपका अभिनंदन है। अरविंद केजरीवाल को बेल मिली है, इसको आप किस तरह से लेते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम बेल, कोर्ट ने तो बड़ा स्पष्ट कहा है कि मेरिट्स ऑफ द केस में गए नहीं है, केस के मेरिट्स में नहीं गए, तो उन्होंने कहा है कि चुनावी प्रचार कर सके। पर इतिहास में पहली बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट किसी व्यक्ति को इस तरह की बेल दे रहा है, ये पहली बार है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पे हम टिप्पणी नहीं देते हैं साधारणतः जी, पर लेकिन अभूतपूर्व नहीं लगता आपको? अब सुप्रीम कोर्ट अपने आप आत्मचिंतन करे इस विषय के बारे में। बैकरूम बॉय से अब आप लोकसभा कैंडिडेट है, राज्यसभा में इतने साल रहने के बाद लोकसभा का आप चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है। एक वर्षों वर्षों तक दूसरों को लड़ाना का अनुभव तो बहुत अच्छा जी आया, लेकिन कैंडिडेट की साइकोलॉजी कुछ अलग ही होती है, वो इस बार अनुभव करने को मिला। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे जनता की अदालत में जाकर, जनता के बीच रहकर, जनता के सुख सुविधा समस्या समझने का मौका दिया। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि जब आप तो महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार बने हुए हैं, लेकिन अब जब ये जो लोकसभा चुनाव हो रहा है, इस राजनीति में करवाहट बहुत आ गई है। नाना पटोले ने भी एक बयान दिया है, और जिसके अब इसके अलावा संजय राउत ने एक बयान दिया है, कैसे देखते हैं? कौन इनको सीरियसली लेता है भाई साहब? ये एक स्पेंट फोर्स है। आप देखिए ना, शिवसेना पूरी की पूरी शिवसेना एकनाथ शिंदे के साथ आ गई। उद्धव ठाकरे जी ने पहले मोदी जी को धोखा दिया, देवेंद्र फडणवीस जी को धोखा दिया, उनके नाम पे उनके एमपी एमएलए जीत के आए। उसके बाद एक मुख्यमंत्री बनने का और अपने लड़के को स्थापित करने का उनके जो लालसा थी, उसने उनको इतना कमजोर बना दिया कि उन्होंने धोखा दिया, दगाबाजी की मोदी जी और फडणवीस जी के साथ। लेकिन प्रधानमंत्री ने भी आज अपनी महाराष्ट्र की रैली में उसका जिक्र किया। क्या आपको लगता है जो टिप्पणी करी गई प्रधानमंत्री को लेकर, खासतौर पर कहा था कि हमने औरंगजेब को रोका है, प्रधानमंत्री की तुलना औरंगजेब से करी गई और कब्र खोदने की बात की गई? ये माननीय प्रधानमंत्री जी पे समय समय पे अलग अलग पार्टी अलग अलग नेताओं ने, चाहे वो मनीष शंकर अय्यर हो, उन्होंने भी अभी कुछ विवादित बयान दिया, देश को इन जैसे नेताओं से, इन जैसी पार्टियों से बचना पड़ेगा। और इंडिया अलायंस के जो बड़े बड़े नेता हैं, फिर चाहे वो राहुल गांधी जी हो, उनके मित्र पक्ष के नेता, उन्होंने माफी मांगनी पड़ेगी देश से। एक के बाद एक देश को तोड़ने की बात करते हैं, देश को बंटवारे की बात करते हैं, धर्म को लड़वाते हैं, जाति के आधार पर लड़वाते हैं लोगों को, अब तो हमारे स्किन के कलर के ऊपर भी, हमारे रंग पे भी देश को बांटने की कोशिश करें। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो राजनीति में भाषा का स्तर है उसमें गिरावट आई है? क्या आपको लगता है कि जो टिप्पणियां हो रही हैं वो वाकई बहुत ज्यादा निचले स्तर की हैं दोनों तरफ से? मैं भारतीय जनता पार्टी की भी बात, हमारी तरफ से तो हमने कोई ऐसे विवादित बयान जो देश हित के ना हो या देश के लिए नुकसानदायक हो, ऐसा तो कभी किया ही नहीं जी। ये तो जब इस प्रकार के बयान, इस प्रकार का मैनिफेस्टो इंडिया अलायंस, कांग्रेस, उनके मित्र पक्ष लाते हैं, इस प्रकार के झूठे नैरेटिव्स कई बार प्रचारित करते हैं, तब स्वाभाविक रूप से हमें भी उसका जवाब देना पड़ता है जी। क्या आपको लगता है कि राम मंदिर एक फैक्टर है 2024 के चुनाव के अंदर? हमारी आस्था का सवाल है, 140 करोड़ भारतवासियों की आस्था, हमारी इतिहास प्रभु श्री राम के साथ जुड़ा हुआ है, और प्रभु श्री राम किसी एक धर्म के नहीं है, प्रभु श्री राम पूरे देश के हैं, पूरी दुनिया के। लेकिन विपक्ष तो अभी तक टिप्पणियां कर रहा है कि ये राम मंदिर बेकार है, और इसका जवाब भारत की जनता मुंह तोड़ जवाब देगी राहुल गांधी और उनके मित्रों। उद्धव ठाकरे जी ने हिंदुत्व को त्याग दिया, उद्धव ठाकरे जी ने बाला साहेब के कहे हुए हर उस विषय को नजरअंदाज किया है जो मूलतः सिद्धांत थे शिवसेना के। राहुल गांधी जी तो बॉयकॉट किया उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा। तो ये थे पीयूष गोयल हमारे साथ, लेकिन बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज 18।